यादव जो कांदेरी विधानसभा क्षेत्र से अपने उम्मीदवारी अखिली आओ, जिस तरह सख्ती प्रदर्शन हो रही है यहाँ पे और लोगों का आशीर्वाद लेते हुए जनता यादव से हम बात करेंगे। मेरी जनता ने मुझे 3 बार जिताया है, मुझे पूरा विश्वास है कि अपने हमारा लक्ष्य है कांदिवली का विकास, और उस विकास के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पक्ष और अजंता यादव को मेरी जनता जिताएगी, ताकि मैं सभी का इस कांदिवली विभाग का पूरी तरह से निर्माण कर सकूं और जीतूंगी मैं, क्योंकि मेरी जनता मेरे साथ है। क्या कांग्रेस की गठबंधन भाजपा की गठबंधन को हरा पाएगी? ये जनता का गठबंधन है, और आप जनता से ही पूछिए कि यहाँ पे जब विकास हुआ है तो पिछले 15 साल से किसने विकास किया है, और अगर विकास नहीं किया होता तो ये जन सैलाब मेरे साथ नहीं होता। आज ये सभी लोग ये दिखाते हैं, ये जो आप जन सैलाब देख रहे हो ये जनता है, ये जनता की जीत है और हम जरूर जीतेंगे। आपने अपने बयानों में कहा था कि जो काम मैंने किया है उसका पूरा पक्ष। बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे से मत पूछिए, अब जनता से पूछिए क्या काम हुआ है, और उसी काम को लेके वो चले हैं, जनता उसको पूरा जवाब देगी और हम जीतेंगे और वो हारेंगे। आज हम मौजूद है कांदिवली वडारीपाड़ा पे, जहाँ विधानसभा क्षेत्र के लिए जो कांग्रेस की तरफ से आई है वो अपने नामांकन भरने कांदिवली से निकली है, वो है डॉक्टर अजंता यादव। उनसे खास बात करेंगे डॉक्टर अजंता यादव और राजपत यादव से कि इस विधानसभा क्षेत्र से क्या अतुल भातखड़कर को बीजेपी जो गद्दावर नेता माने जाते हैं अतुल भातखड़कर से, उनसे किस तरीके से विधानसभा क्षेत्र में और विधानसभा के इस युद्ध में। हमारे साथ राजपत यादव जो कांग्रेस के गद्दावर नेता माने जाते हैं, उनसे बात करें कि इस विधानसभा में डॉक्टर अजंता यादव किस तरीके से अतुल भातखड़कर पे भारी पड़ेगी, उसकी पूरी जिम्मेदारी। सर, जिस तरह से आपका गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी के साथ, ठीक है, फर्स्ट टाइम अजंता यादव विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, उसकी क्या रणनीति आपने पूरी साल में बनाई है? नहीं, अजंता यादव 2 बार महानगर पालिका की सदस्य रही, 2 बार नगर सेविका रही हैं, कांग्रेस राष्ट्रवादी समाजवादी पीपल्स रिपब्लिकन कवाड़ेगढ़ गवईगढ़ से हमारी युति है, और महाआघाड़ी के हमारी अजंता यादव उम्मीदवार है। अजंता यादव यहाँ पे पिछले 10 वर्षों से काम की, फिर मैं भी यहाँ पे काम किया हूँ, तो काम का हमने एक विकास लाया, और हमारी जो बात है सिर्फ विकास और डेवलपमेंट के ऊपर ही बात होगी, और डेवलपमेंट के ऊपर ही हम चुनाव लड़ेंगे, और डेवलपमेंट के ऊपर हम वोट मांगेंगे। वो आपको वोट उसी को देना जो विकास, जो आमदार रहे पिछले 5 वर्षों में कुछ भी काम नहीं किए, इसके लिए हम उनका जनता यहाँ का उनका उनको रास्ता दिखाएगी, जगह दिखाने का काम करेगी। आपका कहना है कि भाजपा के अतुल भातखड़कर उन्होंने काम नहीं किया? नहीं काम किया, देखिए सैलाब बता रहा है कि काम किया कि नहीं किया, काम किया होते तो नहीं रहते इतने लोग। जैसे कि रोड का कुछ, रोड का काम उन्होंने नहीं किया, जिस रोड पे चल रहे हम 2008 का रोड बना हुआ है, उसके बाद रोड बना ही नहीं है। और क्या क्या मतलब स्कूल के जो स्कूली जैसा